हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग यहाँ पे व्हाट्सएप में बैकग्राउंड डेटा को कैसे बंद करेंगे और यहाँ पे जो बैकग्राउंड डेटा है उसको यहाँ पे बंद करने से क्या क्या होता है, वो सारा सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पर इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट्सएप में जो बैकग्राउंड डेटा है उसको आप लोग, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कैसे बंद करते हैं। तो यहाँ पे बंद करने के लिए आप लोगों को सेटिंग को ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को एप्लीकेशंस का ऑप्शन आएगा, आप लोग यहाँ पर क्लिक करिए और यहाँ पर आपको मैनेज एप्लीकेशन में आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को सर्च बार दिखेगा, आप लोग यहाँ पर क्लिक करिए और यहाँ पे आपको इस तरीके से WhatsApp लिख लेना है। आप लोग यहाँ पे इस तरीके से WhatsApp लिख लीजिए यहाँ पे, उसके बाद उसको ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को डेटा यूसेज पे क्लिक करना है। डेटा यूसेज पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे में बैकग्राउंड डेटा का ऑप्शन आ जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे इस तरीके से इसको क्लिक करके बंद कर दीजिए। और यहाँ पे चलिए मैं आपको अब बताता हूँ कि बंद करने से क्या होता है। तो यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है दोस्तों, अगर आप लोग कोई भी एप्लीकेशंस यहाँ पे अपने फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे जो एप्लीकेशंस होती है वो आपके फ़ोन में जो है बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत डेटा यहाँ पे यूज़ किया करते रहता है। तो दोस्तों, ऐसे में आपका जो डेटा है वो यहाँ पर बहुत लॉस हो जाता है, कभी कभी बहुत जल्दी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। तो बैकग्राउंड में ये सारे जो एप्लीकेशंस होते हैं वो आपके फ़ोन पर डेटा यूज़ करते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको जो है बैकग्राउंड डेटा को इस तरीके से बंद कर देना है। देखिए यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि बैकग्राउंड में जो है कितना MB डेटा यूज़ किया है, यहाँ पे 58 MB यूज़ किया है ऑटोमेटिकली। जो है आप इसको यूज़ नहीं कर रहे फिर भी ये बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली अपने जो डेटा है वो यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए आपको इसको बंद करके रखना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर मैं इसको बंद नहीं करूँ क्योंकि मेरे को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि कितना डेटा यहाँ पर जो है ख़त्म हो रहा है, क्योंकि मेरे घर में वाईफाई लगा हुआ है ना। तो आप अगर इंटरनेट को बचाना चाहते हैं, डेटा को यहाँ पे सेव करना चाहते हैं, तो आप लोग यहाँ पे इसको जो है बैकग्राउंड डेटा को बंद कर सकते हैं। उसके बाद आपके फ़ोन में कोई भी दिक्कत आपको नहीं आती है और आप लोग यहाँ पे बैकग्राउंड डेटा को बंद करेंगे तो सिर्फ़ और सिर्फ आप जब इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तभी यहाँ पर इंटरनेट यूज़ होगा और यहाँ पर जो है बैकग्राउंड में कोई भी डेटा यहाँ पर यूज़ नहीं होगा। तो गाइज़, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।